दोस्तों, स्वागत है आप सबका उत्तराखंड ब्लॉगर संतोषी रावत के चैनल पे। तो गाइस, आज है फ्राइडे और डेट है आज 4। तो अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पे 7 बज चुके हैं। सारा काम कर चुकी हूँ घर का। तो यहाँ पे आज श्राद्ध है मेरी सासू माँ का, तो तैयारी कर रही हूँ। ये फ्रूट रखे हैं जो पूजा में रखने हैं, तो यहाँ पर मैं सारा सामान इकट्ठा कर रही हूँ क्योंकि ऊपर छत वाले कमरे में श्राद्ध होना है। तो ये रहा घी और ये पन्नी में मैं डाल रही हूँ, फिर ऊपर रखूँगी शहद। इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, चंदन, घी, शहद और ये है चंदन और जौ और तिल, ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। और वाइट वाले जो शुरू में आपने देखे सफ़ेद वाले फूल और गंगा जल, ये रहा गंगा जल। तो ये मैं सब छोटी छोटी बोतलों में हमेशा मेरा रखा रहता है क्योंकि हम तिथि श्राद्ध भी देते हैं, फसली श्राद्ध और सारे जितने भी श्राद्ध होते हैं हम घर में देते हैं। पंडित जी को बुला के पिंड बनाते हैं और हमेशा तर्पण करते हैं, तर्पण देते हैं। तो ये रहे तिल, आपको दिखा दिए मैंने, और ये मैंने ऐसे डब्बे बना रखे हैं और ये रुई भी है इसमें। और ये है बैकर, ये चावल निकालते हैं एक थाली में, इसमें पैसा रखते हैं, 51 रुपये रखे हैं मैंने। और बाकी के पैसे हम बाद में देते हैं जब पूजा हो जाती है पंडित जी को, वो तो फिर वैसे देने पड़ते हैं। और ये बैकर खाली नहीं रखते हैं तो इसलिए इसमें पैसा रखते हैं, ये पंडित जी के होते हैं। और ये रहा चावल का आटा जिसके पिंड बनते हैं, और ये मैं घर पे पीसती हूँ चावल, मिक्सी में पीस देती हूँ। और इस आटे के फिर रावत जी जो है पिंड बनाएंगे। और ये रहा कास की थाली जिसमें वो पिंड बनाएंगे, आटा जो चावल का आटा है उसको इसमें मिक्स करते हैं। और ये है एक परात और इसमें वो तर्पण देते हैं, दूध दही घी सब मिक्स करके तर्पण देना होता है, तिल जौ सब मिक्स होता है जो। तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर रख रही हूँ, और परात भी रखती है, कास की थाली भी रख दी है। ये रहा सफ़ेद वाइट फूल और ये दिया जिसमें दिया जलेगा ऊपर, और तुलसी के पत्ते, और ये रही दही, दूध, बहुत सारी चीज़ें होती हैं श्राद्ध में जो रखनी पड़ती हैं छोटी छोटी। तो ये सारी तैयारी मैं अकेले करती हूँ। मैं सुबह उठ गई हूँ 4 बजे से क्योंकि पहले मैंने झाड़ू पोछा किया, घर का सारा काम किया, और उसके बाद हम नहीं करते हैं काम जब श्राद्ध शुरू हो जाता है। तो श्राद्ध शुरू होने से पहले मुझे सारा काम करना पड़ता है। तो गाइस, यहाँ पे अब मैं खाना बना रही हूँ और पंडित जी आ चुके हैं ऊपर छत वाले कमरे में, श्राद्ध जो है शुरू हो चुका है, पूजा हो रही है वहाँ, और मैं नीचे बना रही हूँ खाना। और तो पहले मैं बना रही हूँ छोले, मैंने उबाल के रख दिए थे बॉईल करके। तो आज लहसुन, आज के श्राद्ध में हम खाते ही नहीं हैं प्याज लहसुन, तो बच्चों के लिए तो बना देती हूँ लेकिन मैं और राव जी श्राद्ध में लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं जब तक श्राद्ध ख़त्म नहीं होते हैं। तो आज कुछ भी नहीं है, ना लहसुन है ना प्याज है। तो टमाटर मैंने डाले हैं, तेज़पत्ता, दालचीनी और सूखे मसाले जो होते हैं अपने, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, ये सब चीज़ें डालूंगी। छोले बना रही हूँ और छोले मैंने गाइस सुबह बॉईल कर दिए थे कुकर में, और हमारे वहाँ बनते हैं उड़द के दाल के बड़े और पूरी, वो बनेंगे नैवेद्य के लिए भी चाहिए होते हैं, ऊपर पूजा में नैवेद्य बोलते हैं उसके लिए 7 पूड़ी और 7 जो है बड़े रखने पड़ते हैं उड़द के दाल के। वो हमारे उत्तराखंड में ऐसे ही श्राद्ध बनता है हमारे वहाँ कुमाऊँ में, और हर जगह थोड़ा बहुत का फ़र्क होता है लेकिन चीज़ें वही होती हैं, बस ये है कि थोड़ा बहुत अंतर हो ही जाता है कहीं कहीं का। तो चलिए, यहाँ पे मेरे जो है छोले बन रहे हैं और साइड में मैंने रखा है खीर कुकर में। तो वैसे यहाँ पे खीर बन रही है और छोले बना रही हूँ मैं इस साइड। तो देखिए, मसाले पक चुके हैं, अब मैं इसमें छोले ऐड कर दूंगी। और छोले मैंने पहले ही उबाल रखे हैं, कुकर में सीटी लगा दी थी और रायता बना के भी रख दिया है खीरे का। तो रायता मैंने पहले ही बना के रख दिया है, वो आप लोगों को दिखाया नहीं है, बाद में जब मैं लगाऊंगी खाना तो दिखा दूंगी। तो वो मैंने बना के रखा है। यहाँ पे छोले देखिए बस बन ही चुके हैं, ये पहले ही मैंने बॉईल कर रखे थे तो थोड़ी देर में रेडी हो जाएंगे, थोड़ा और पका देंगे। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ आटा, और आटे में मैंने ये अजवाइन रखा है ढेर सारा, पूड़ी अच्छी बनती है इससे। तो आटा लगा लिया है,
और इसे थोड़ी देर के लिए मैं ढक के रख दूंगी और उसके बाद मैं बनाऊंगी पूड़ी। तो पहले मैं यहाँ पर गाइस बड़े बना रही हूँ। बड़े बोलते हैं हमारे उत्तराखंड में, हमारे वहाँ इनको बोलते हैं उड़द के दाल के बड़े, और ये ज़रूरी बनाने होते हैं श्राद्ध में। तो यहाँ नैवेद्य के लिए मैं पहले बना रही हूँ। पहले ऊपर जो है पूजा तो शुरू हो चुकी है, कब से रावत जी और पंडित जी जो है बैठे हैं, पूजा हो रही है, तो मैं बना रही हूँ खाना। तो पहले मैं नैवेद्य के लिए बना रही हूँ बड़े उड़द के दाल के, और इनको रात को मैंने भिगोया था, फिर पीस लिया था मिक्सी में, और इनमें नमक जो है नमक और मिर्च जो है डाल के और फिर मिक्स करके और इनके मैं बड़े बना रही हूँ। तो यहाँ पे 7 बड़े और 7 जो है पूड़ी मुझे पहले ऊपर देनी है पूजा में रखने के लिए। और इनको मैं आपको बार बार बता रही हूँ, नैवेद्य बोलते हैं हमारे वहाँ। तो आज मैं ये सब कुछ आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हम श्राद्ध बनाते हैं। गाइस आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग कैसे बनाते हो। तो हम तो इसी तरीके से बनाते हैं और हमेशा ही घर में बुलाते हैं पंडित जी को और घर में ही श्राद्ध देते हैं और हमेशा तर्पण भी देते हैं और पिंड भी बनाते हैं रावत जी। तो मेरी सास का रावत जी करते हैं क्योंकि वो छोटे बेटे हैं, और हमारे वहाँ जो बड़े बेटे होते हैं वो पिताजी का करते हैं, और माँ का बोलते हैं कि जो छोटा बेटा होता है वो श्राद्ध करता है। तो हम छोटे हैं सबसे, तो हम अपने सासू माँ का करते हैं, और मेरे जो बड़े वाले जेठ हैं वो पापा का करते हैं अपने। तो यहाँ पे ये देखिए, ये रही फ़ोटो, तो मैं ऊपर आ गई हूँ और यहाँ पे दोनों की फ़ोटो रखी है। और ये श्राद्ध जो है दोनों के लिए होता है, पितृ श्राद्ध होता है ये, और जो तिथि श्राद्ध होता है तो वो सासू माँ का होता है। तो उस दिन हम दोनों की फ़ोटो रखते हैं, उस दिन भी और आज भी। और ये वाला श्राद्ध जो है दोनों के लिए ही हो जाता है, तो हम भी करते हैं और मेरे जेठ जी भी करते हैं वहाँ। वो पिताजी के नाम का करते हैं, हम माँ का नाम का करते हैं, लेकिन ये जो श्राद्ध होते हैं ये सबके, इसमें सबका नाम आ जाता है, और माँ का तो आते ही है, पिताजी का भी, और जो हमारे और पितर हैं उनका भी। तो ये सब पितरों के लिए होता है, इसीलिए इसमें 7 जो है पिंड बनाते हैं और 3 जो है बलि बनती हैं। ये वाले श्राद्ध में जो तिथि श्राद्ध होता है उसमें कम बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइस, मैं लेट आई थी छत में, बाद में नैवेद्य लेके आई थी, तो तब तक जो है यहाँ पे रावत जी ने तर्पण तो कर लिया है, वो दिखा नहीं पाई हूँ मैं आपको। तो अब यहाँ पे बन रहे हैं पिंड, बन रहे हैं, उसकी तैयारी हो रही है। तो कांस की जो थाली थी उसमें रावत जी ने आटा रख दिया है, और उसके ऊपर तिल रख दिए हैं, जौ रख दिए हैं, और शहद, गंगा जल और दूध और दही, ये सब थाली में रख दिया है। तो देखिए अब इसको वो जैसे हम आटा लगाते हैं उस तरीके से लगाएंगे, और सब चीज़ मिक्स करके और इसको अब आटे की तरह गोंद लेंगे, फिर वो बनाएंगे पिंड। पादोष विश्वा भूतान कृपा दिशा मृतंदी कृपादून धौदय गुरुभ पादोषे हावतुन हावतो विश्वं गग्राम सासरवर सनेयभि ततो विराट जायत विराजवति गुरुभ हौष जातो उत्तर जतवशा भूमि मधो पुरः तस्मात् जासर उत्तरि च सामान्य जिरे छन्दा उजिरे तस्मात् तस्मात् जायता तस्मात् स्वा जायन्त जयके जो भयादतः गावो हजिरे तस्मात् स्वा जाता जावय हतन जगमरे हि प्रवसन गुरुभं जातम रतः तेन देवाय सन्त साध्यारिकाय सजे जद्रुहंगोहुर्धाव्यवैन्नामहंगिमिशासीत्किम्बाहुकिमूरुपादावचेते ब्राह्मणोऽस्मि महाशी बाहुराजन्यः कृताहुरुत्तरदेशवैशापदिनां शूद्रोऽजायत वसंतोषासीदाज्यं प्रीकुमेत महोशरद्धवेशप्राशासिपुरधेश्रीसप्तसमिदाग्रताः देवाधितजंतर्मानावरणं पूर्वं पशुं मौजित्रीनिजनमयदन्तदेवास्ताविधर्मान्थमान्यासन्नः तेहनाथमहिमानहोशतपूर्वैशाद्याः सन्तदेवाः व्यासमृताः पृथ्वीरसाद्विश्वकर्मणः समवर्धता व्रीतसुतृष्णा विदधूमेतमसिदेवतो आधारमग्रे वेदाः मेतं पूर्वं महन्तमादितवर्णन्तमशापरस्तातोतमेवोदित्वादिकृतवेदनान्यः पन्थाविदेयनाय प्रजापतश्चरणगर्भे अन्तर्जायमानो हो दाविजायति तस्य योनिपरिवशन्ति धीराः सन्द्रतृणान् विश्वाजो देव्याधिपतिजो देवानां पुरोहितः
पूर्वो जो देवेभ्यो जातो मोरुचा ब्राह्मेरुचो ब्राह्मञ्जनयन्तो देवा अग्रे तदमृगन्नाजस्वैवं ब्राह्मणो विद्यादशदेवा सर्वसे श्रीसदेवक्षमीचन्द्रिया बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमशिरो व्याप्तं मा ईष्णानिखाणं मयिखाणं सर्वरूपं मयिखाणम्। सात बनाने हैं जी गोल और तीन बनानी है बली। तो गाइस देखिए यहाँ पे रावत जी जो है पिंड बना रहे हैं पहले, तो फिर उसके बाद तीन जो है बलि भी बनानी पड़ती है। और ये परात जो रखे यहाँ नीचे, इसमें तर्पण दे रखा है, आप देख रहे हैं दूध तिल वगैरह सब उसमें है। तो ये जो चावल का आटा है इसको मैं घर में ही पीसती हूँ हमेशा, और फिर इसका जो है पिंड बनता है। तो पूजा में सब कुछ यहाँ पे रखा है, फ़ोटो रखी है उन लोगों की, सास माँ की और हमारे जो हैं ससुर जी की। तो बाकी केले हैं, सेब है और चावल है, हमारे वहाँ बैकर बोलते हैं उसको, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया। और बाकी तिल, शहद, जौ, दही, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो ना इसमें रखनी पड़ती है। तो मैं हमेशा छोटी छोटी डिब्बियों में रख देती हूँ, जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था। तो फिर एक पन्नी में रख देती हूँ, क्योंकि फिर श्राद्ध जब होते हैं तो इधर उधर नहीं होता सामान, एक ही जगह पर मिल जाता है करके। तो ये सब सामान यहाँ पर रखा है। तो ये जो पिंड बन रहे हैं इनमें सब कुछ डाल रखा है रावत जी ने, शहद डाला है, तिल डाले हैं और दूध, दही, और फिर उसके बाद ना ऊपर से इनमें रोली डालनी पड़ती है, वो आप आगे देखोगे, और तुलसी का पत्ता। तो यहाँ पे देखिए गाइस, बोलते हैं पंडित जी हमेशा रावत जी को बोलते हैं जो गोल वाले पिंड है ना उनको बहुत अच्छे से बनाना, कि जितने ये सुंदर बनेंगे ना उतने जो पितर हैं वो खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पिंड तो उन्होंने बना दिए हैं, अब ये तीन जो हैं थोड़ा लंबे से बनाते हैं तो इनको बली बोलते हैं, तो वो भी उन्होंने बना दिए हैं। तो पिंड जो हैं सात बनाए हैं और बली जो हैं तीन बनाई हैं, तो वो थोड़ा लंबी लंबी सी होती है। और नैवेद्य के लिए सात पूड़ी और सात बड़े रखे हैं मैंने, वो मैं बना के ले आई थी। और जब श्राद्ध हो जाता है ना तो उसके बाद हमारे यहाँ फिर सबके लिए खाना निकाला जाता है, पंडित जी निकालते हैं, मैं बना के लाती हूँ, फिर वो अपने हाथ से निकालते हैं। जैसे एक पूड़ी, बड़ा, खीर, थोड़ा सब्जी, जो भी हमने घर में बनाया होता है वो सब कुछ रखना पड़ता है उस पूड़ी के ऊपर। तो गाय के लिए निकलता है, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए और कीड़े मकोड़ों के लिए भी, छोटे छोटे से टुकड़े बनाए जाते हैं तो वो कीड़े मकोड़ों के लिए भी। तो कीड़े मकोड़ों के लिए मैं छत में रख देती हूँ, दूसरे वाले अपने कुत्ते को भी देना पड़ता है, गाय को भी, तो वो सब चीज़ें फिर ना ज़रूर देनी पड़ती हैं। और ये पिंड जो होते हैं बाद में हम गाय को देते हैं, इनको गाय को देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए रावत जी ने पिंड जो हैं बना दिए हैं और बहुत ही सुंदर बनाए हैं, वो हमेशा बहुत अच्छे से पिंड बनाते हैं। और अब आम के पत्ते, तो मैं बहुत सारी चीज़ें ना अपने गमलों में लगा देती हूँ जो काम आती हैं ऐसे पूजा पाठ में, तो मैंने आम का पौधा भी लगाया है। तो मैं पत्ते तोड़ के लाई हूँ, उनको धो के उन्हें दिया है, तो जो पिंड हैं आप उन पत्तों के ऊपर वो रख रहे हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं एक पिंड आप देख रहे हैं यहाँ पे रख दिया है आम के पत्ते के ऊपर, और नीचे से एक न्यूज़पेपर रखा है उन्होंने। और पंडित जी जो है रोली होती है जो कलावा होता है ना वो तोड़ रहे हैं। तो सब जितने भी पिंड हैं उनके ऊपर से फिर वो कलावा रखेंगे, और तुलसी का पत्ता और जौ तिल उसके ऊपर से भी रखेंगे। और इसमें जौ तिल, शहद, दही, दूध, चंदन और गंगा जल, तुलसी का पत्ता, वाइट फूल, ये ज़रूर ही चाहिए होते हैं, और कुश
तो कुछ तो हम यहाँ हम होता नहीं है, तो हमारे जो पंडित जी हैं वो हमेशा अपने पास ले आते हैं कुछ, तो उसको वो अपने पास ही अपने बैग में रख के लाते हैं और यहाँ हमको फिर वो दे देते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए, ये देखिए आम के पत्ते रख दिए हैं रावत जी ने, उनके ऊपर से कुश रख दिया है, पंडित जी दे रहे हैं उनको तोड़ के कुश रख दिया है। फिर अब वो पिंड रख रहे हैं इनमें, और पिंड के ऊपर रख दिया है जौ और तिल। ये देखिए तो इस तरीके से रखते हैं, तो एक पहले उधर निकाल के रख दिया है और अब इधर रख रहे हैं, जो सबके नीचे पहले आम का पत्ता है, फिर कुश रखा हुआ है, उसके बाद पिंड रख रहे हैं, और वो अपना जो है पूजा जो पाठ है वो भी कर रहे हैं पंडित जी साथ में। तो मैंने यहाँ पे म्यूट करा है क्योंकि मैंने सोचा आप लोगों को मैं बता देती हूँ, और इसलिए क्योंकि पंडित जी पाठ करते जा रहे हैं और तो इसलिए मैंने सोचा मैं बता देती हूँ, तो म्यूट करना पड़ा मुझे यहाँ पे। तो आप देख ही रहे हैं जैसे पंडित जी पाठ भी कर रहे हैं साथ में और मंत्र पढ़ रहे हैं, और रावत जी जो हैं पिंड उनके ऊपर रख रहे हैं जो आम के पत्ते हैं, और उसके ऊपर से आप देख रहे हैं पंडित जी थोड़ा थोड़ा तिल और जौ रख रहे हैं, बाद में जो कलावा होता है उसे भी रखेंगे। तो अभी सारे जब उसमें रख देंगे तो फिर आप देखना आगे कि कलावा रखेंगे, बहुत ही सुंदर लगते हैं, और पिंड भी काफ़ी गोल बना रखे हैं, तो हमेशा पंडित जी बोलते हैं कि टेढ़े मेढ़े मत बनाना, गोल पिंड बनाना तो बहुत अच्छा रहता है। और आप लोग देख रहे हैं रावत जी के हाथ में भी कुश की एक अंगूठी जैसी बना के पंडित जी पहनाते हैं जब तक पूजा होती है तब तक, और जनेऊ तो हमारे वहाँ डलता ही है। आप देख रहे हैं रावत जी के गले में जो पीला पीला धागा, वो जनेऊ होता है, पूजा पाठ में हमेशा वो जनेऊ इस तरीके से आगे को रखना पड़ता है गले में। तो पिंड देखे गए सारे बन चुके हैं और रख दिए हैं उन्होंने पत्तों के ऊपर, और उनके ऊपर फिर जौ और तिल आपको दिखाई दे रहा होगा काला काला सा, और जौ भी है उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा, और अब ये गंगा जल उनके ऊपर रख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। और फिर प्रणाम कर रहे हैं रावत जी, और अब रख रहे हैं कलावा, तो पंडित जी उन्हें तोड़ के दे रहे हैं। देखिए सब जितने भी पिंड हैं उनके ऊपर कलावा भी रख दिया है। तो हमेशा गैस हमारे वहाँ इस तरीके से श्राद्ध बनाते हैं, पंडित जी घर में आते हैं और चावल के आटे के जो है पिंड बनते हैं, और तर्पण होता है दूध गंगा जल पानी मिक्स करके, तो तर्पण पहले हो चुका था जब मैं ऊपर आई, तो इसलिए तर्पण का जो है मैं दिखा नहीं पाई, लेकिन पिंड का मैंने आपको दिखा दिया है, और तर्पण पहले हो चुका है बहुत ही अच्छा होता है वो भी, तो वो परात में यहीं पर रखा है, और फिर ये पानी डालना पड़ता है, जो फूल वाले पौधे होते हैं उनमें हमारे वहाँ नहीं डालते हैं, जो पीपल का पेड़ होता है तो वहाँ ये श्राद्ध का जो पानी होता है ना वो वहाँ डालना पड़ता है हमको। और अब यहाँ पर रावत जी चंदन का टीका लगा रहे हैं, जितने भी पिंड थे सब पे चंदन का टीका लगा दिया है, और वाइट वाले फूल रख दिए हैं थोड़ा थोड़ा सा उनके ऊपर से। और ये रहे गाइस नैवेद्य बोलते हैं, ये पूड़ी और बड़े जो मैं बना के ऊपर रखे थे, तो एक एक टुकड़ा उनके ऊपर टुकड़ा करके पूड़ी का, और ऊपर से पूड़ी के ऊपर बड़े का जो टुकड़ा होता बड़ा बनाया था ना उड़द की दाल का, तो वो रखा है उधर देखे। तो वो मंत्र पढ़ रहे हैं और रावत जी को बता रहे हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, तो टीका लगा रहे हैं, और फिर उसके बाद
आप देख ही रहे हैं कि नैवेद्य भी रख रहे हैं, उनके ऊपर से टुकड़ा करके पूड़ी का, और उनके ऊपर बड़े रखने पड़ते हैं, और बार बार धूप जो जला के आगे से फिर धूप दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से गाइस मैंने इतना दिखाया नहीं, क्योंकि वीडियो ना बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इतना बड़ा दिखाया नहीं, लेकिन काफ़ी कम से कम 2-3 घंटे का होता है हमारे वहाँ ये श्राद्ध, तो 2-3 घंटे में पूरा होता है कंप्लीट। तो चलिए अब यहाँ पे जो है पिंड वगैरह जो है सब कुछ हो चुका है, धूप भी दे दिया है, कलावर रख दिया है, जौ तिल और सब उनके ऊपर जो नैवेद्य बोलते हैं खाना पूड़ी और बड़ा उनके ऊपर रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ऊपर आई हूँ, देखिए यहाँ पे ये 2 सदस्य हमारे ये भी हैं, ये भी बेचारे देखने पड़ते हैं मुझे, तो इनको भूख लगी है, तो मैं कुछ पत्ते ले आई हूँ इनके लिए, और सुबह इनको खीरा दिया था, रोटी दी थी, वो इन्होंने चट कर दी है, 2-2 हैं तो खा लेते हैं, काफ़ी खाना खाते हैं ये, तो अभी मैं इनके लिए पत्ते ला रखी हूँ। तो गैस ये रहा वाइट कपड़ा, इससे अब इनको ऐसे ढक दिया है, पिंड जो है उन्हें ढक दिया है वाइट, ये कोरा कपड़ा होता है, हमें से साफ कपड़े का टुकड़ा लाना पड़ता है। तो गैस यहाँ पे जो है श्राद्ध में लेडीज़ का कोई काम नहीं होता है, लेकिन बाद में अब देखे श्राद्ध पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो लास्ट में फिर मेरे को भी पंडित जी बोलते हैं कि टीका लगा के जो पिंड बनाए हैं रावत जी ने, वो मुझे भी उनके ऊपर चावल रख के उन्हें भेंटना पड़ता है, मतलब प्रणाम करना पड़ता है, हमारे वहाँ भेंटना बोलते हैं, तो मैं चावल लेके पिंड जो थाली में रखे हैं उन्हें भेंट रही हूँ, मतलब प्रणाम कर रही हूँ, और चावल डाल रही हूँ उनके ऊपर, और फिर थोड़ा सा फूल दे दिए हैं पंडित जी ने वाइट फूल, तो वो मंत्र पढ़ रहे हैं, और उसके बाद फिर हमने ये पिंड के ऊपर ही ये फूल भी डाल दिए हैं, और अब थोड़ा सा चावल दे के पंडित जी ने मेरे को चावल दिए हैं, तो 5 बार सासू माँ और ससुर जी की जो फ़ोटो है उन्हें भी हमें भेंटना है, मतलब प्रणाम करना है, हमारे उत्तराखंड में भेंटना बोलते हैं, प्रणाम जो करते हैं ना उसे हमारे वहाँ बोलते हैं कि भेंटना, तो उन्होंने बोला है कि उनकी फ़ोटो के वहाँ पर भेंट के आओ, और 5 बार चावल भी चढ़ा के आओ उनको, तो चावल चढ़ा दिए मैंने यहाँ पे, भेंट भी दिया है और फूल भी चढ़ा दिए, बस मेरा काम इतना ही होता है लास्ट में, और क्योंकि श्राद्ध में लेडीज़ का कोई काम नहीं होता, तो लास्ट में पिंड होते हैं और उनकी फ़ोटो के वहाँ पर हम फूल चढ़ा देते हैं, चावल बस इतना ही, बाकी सारा काम तो रावत जी के हाथ का ही होता है इसमें। तो यहाँ पर आप सामने ये जो ये परात देख रहे हैं गाइस, ये तर्पण दे रखा है रावत जी ने जो परात में वो है, और बाकी पिंड तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं कि क्या क्या बना है क्या क्या, तो यहाँ पर आप पूजा जो है पूरी जो है अब समाप्त हो चुके, मतलब हो चुका है श्राद्ध, तो यहाँ पे बस अब ये जो पिंड अग्रह हैं ये गाय अग्रह को भेजने हैं, मतलब गाय को खिलाना है, जो पिंड जो पंडित जी हैं वो बता रहे हैं कि पिंड मतलब आज ही देने हैं, तो ऐसा नहीं है कि रख लो फिर कल या परसों दे देना, तो वो कह रहे हैं कि आज ही पिंड जो है गाय को भेज देना, और ये रहे पिंड, आपको अच्छी तरह दिखा देती हूँ, और ये खाना है,
ये कुत्ते के लिए रखा है, कौवे के लिए और कीड़े मकोड़ों के लिए, गाय के लिए, ऐसे ना अलग अलग रखना, सबके लिए रखना पड़ता है और देना भी पड़ता है सबको। ऐसा नहीं है कि निकाल दिया है तो बस ऐसे ही पड़े रहेगा, ऐसा नहीं है। फिर अभी ये जब पूजा पूरा कंप्लीट हो जाएगी, आप देख रहे हैं, इसके बाद फिर रावत जी रखने जाते हैं, तो वो दूसरी छत में रख देते हैं कीड़े मकोड़ों के लिए, और कुत्ते को भी पहुंचाना पड़ता है नीचे, कुत्ते को भी खाना दे के आते हैं और पिंड वगैरह हम फिर गाय को दे के आते हैं। और यहाँ पर पंडित जी अपने घर जा रहे हैं, तो हमारे उत्तराखंड का रिवाज है पंडित जी को छोड़ने ज़रूर जाना पड़ता है थोड़ा सा नीचे तक। और तो गैस यहाँ पे पंडित जी जा चुके हैं और मैं बच्चों के लिए लगा रही हूँ खाना, तो छोले खीर रायता बना रखा है और पूड़ी। तो चलिए फिर गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रही जो मैंने रायता बनाया था, ये रायता है, खीर है, छोले हैं और पूड़ी बना रखी है। तो बच्चों के लिए मैं खाना लगा रही हूँ, तो खाना अगर खा के फिर मैं आपसे मिलूंगी और थोड़ा सा बात भी करूँगी, क्योंकि सुबह से तो बहुत बिजी हूँ, बात करने का टाइम ही नहीं लगता है, अकेले सब कुछ करना पड़ता है और काफ़ी काम होता है इसमें। तो चलिए फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ आपको। तो गैस अभी बज गया है करेक्ट 12:30 बज गए हैं, 12:30 बजे है ना, एक मिनट देख दूं मैं, हाँ 12:30 बज गए हैं और पूजा हो गई है, मतलब श्राद्ध हो गया है। सुबह पंडित जी आ गए थे 8:30 बजे, फिर रावत जी ड्यूटी भी चले गए, उसके बाद हमने खाना वाना खाया था और थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। अब बहुत थक गई हूँ सुबह से, पता है उतना मैंने दिखाया नहीं ब्लॉग में, क्योंकि ना सुबह श्राद्ध के दिन मेरा हो जाता है फजीता, अकेले सारा काम करना पड़ता है, सब कुछ अकेले करना पड़ता है, तो बहुत कुछ होता है, छोटी छोटी चीज़ें रखनी पड़ती है जो। तो मैं गई हूँ अब थक, और आज पूड़ी भी खा ली है, अब नींद से आ रही है, अब थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। एसी चला लिया है हमने क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, आज है 4 तारीख और फ्राइडे है आज। तो गैस आप लोग चैनल, अगर आप लोग कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कैसे लग रहे हैं आप लोग को ब्लॉग जरूर बताना। और आजकल कम ब्लॉग बना रही हूँ, कोई नहीं, बस यही है कि यार थोड़ा ज़्यादा ना व्यूज भी ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, ना सब्सक्राइबर्स अभी इतने ज़्यादा बढ़े हैं, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे, ऐसे ही सब्सक्राइबर जैसे बढ़ते हैं तो थोड़ा घट जा रहे हैं, फिर बढ़ते हैं तो घट जा रहे हैं। तो डेली का तो सोचती हूँ बनाने का, लेकिन बन नहीं पाता है, कभी तबीयत खराब रहती है, कभी बच्चे हैं साथ में, बहुत कुछ काम होता है, मम्मी भी है, तो रोज़ रोज़ बनाने का सोचती तो हूँ लेकिन बन नहीं पा रहे हैं ब्लॉग। फिर भी मैं एक या दो दिन छोड़ के तो डालती हूँ। और यहाँ देखो दवाइयाँ, ये देखो ये दवाइयाँ सब ये मेरी हैं, ये जो यहाँ रखी हैं बेड के ऊपर ही रखे हैं, ये चाय पीती अभी मैंने, ये रखा है और ये दवाइयाँ यहाँ पे इसलिए रखी हैं क्योंकि भूल जाऊंगी करके। हाँ ये टीशा की है, आपके अंदर है शायद, ये टीशा की है, ये तो मेरी है वो वाली जेल वाली। और तो कैसा आप लोग बताना, और क्या चल रहा है, कैसे हैं आप लोग, ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। आज मैंने एक हैंकी टकिंग, आज नहीं मतलब कल रात डाली थी, तो रात को ही शायद 12:30-1 बजे चली गई होगी वीडियो, तो उसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला यार। अब मेरे लिए पता है इतने सारे कमेंट आते हैं कि हैंकी टकिंग का वीडियो और डालो और डालो, तो हैंकी का मेरे समझ में ही नहीं आया क्योंकि मैंने 2 पहले भी डाली और मेरे को इतना पता भी नहीं है कितना क्या वीडियो बनाऊँ, और जितना मुझे आता था उतना बता दिया। तो अभी मैंने देखी क्योंकि सुबह से तो मैं काम पे लगी थी, तो मैंने वीडियो अभी देखी थी थोड़ी देर पहले, तो 2 अनलाइक आए थे उसमें, तो अनलाइक वाले तो खैर वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका अपना है डालते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक हैं सरोजनी जी,
तो वो बार बार कमेंट करते हैं, तो मैं उनको ये बोल रही हूँ कि यार मुझे जितना आता था वो मैंने डाल दिया है, अब मुझे और आता नहीं है। हैंकी टकिंग की मैंने अब 3 बना दी, हैंकी टक मतलब वीडियो जो होती है, बाकी ये सब चीजें ना मेरे अब इतना मेरे को जितनी नॉलेज है उतना तो मैंने डाल दिया, ठीक है, जितना मुझे आता था। तो अब कोई वीडियो ज़्यादा मैं ये टकिंग वकिंग ऐसा बनाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बस का नहीं है ये सब। मैं करती हूँ ब्लॉगिंग, मुझे अच्छा लगता है ब्लॉग बनाना, वो तो मुझे टाइम नहीं लगता इसलिए, नहीं तो मुझे ब्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता है, हर चीज़ शेयर करना, लेकिन आजकल थोड़ा टाइम नहीं लग रहा है क्योंकि मम्मी भी साथ में है और बीच में तबीयत भी खराब हुई थी, तो इसलिए भी। तो फिर भी मैं एक दिन या दो दिन से ज़्यादा, अगर 3 दिन हो गए 4 दिन हो गए फिर तो मेरे को भी बेचैनी से हो जाती है, तो मेरा भी मन करता है कि ब्लॉग जाना चाहिए, मैं बना नहीं रही हूँ। अच्छा भी लगता है मुझे जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ। इसमें क्या होता है कि ना देखो, मेरे तो अभी पिन नंबर अगर तो आया नहीं है, डॉलर कट रहे हैं पता नहीं क्यों, लेकिन मैं बिजी रहना चाहती हूँ अपने घर में अपने बच्चों के साथ, आलतू फालतू की चीज़ों से। ये काम में यही रहता है कि अपने ब्लॉग बनाओ बढ़िया बढ़िया, क्या कर रहे हो क्या नहीं ये बनाओ, खाना कैसा बन रहा है जैसे भी बन रहा है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो मेरे को अच्छा लगता है, बिजी भी रहती हूँ और इधर उधर की फालतू की बातों से थोड़ा सा इसमें सही रहता है, अपना बिजी रहता है। बाकी पैसे तो मिल नहीं रहे हैं ब्लॉगिंग के, 2 साल हो गए, लोगों को लगता है पता नहीं ऐड आ रहे हैं तो ये पता नहीं कितने पैसे कमा रहे होंगे, पैसा वैसा कुछ अभी आया नहीं है। तो मेरे को किसी ने लिखा था, मैं नाम भूल गई हूँ, किसी ने लिखा था मेरे को, नाम क्या था तो मैं उनका नाम भूल गई, उन्होंने मुझे बोला था कि शेयर करना अपनी जो पहली सैलरी है, तो अभी सैलरी तो आई नहीं है, जब आएगी तो तब तो मैं शेयर करूंगी, क्यों नहीं करूंगी, वो तो खुशी का दिन होगा जितनी भी आएगी तो शेयर करूंगी, जब अभी आई नहीं है तो शेयर क्या करूं, क्योंकि मेरे डॉलर 2, 3, 5 तक बनते हैं। पहले पहले शुरू में तो पता फटाफट से $10 बने और फिर कट के 2-3 पर आ गए, अब ये समझ में नहीं आ रहा है और मुझे ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, और देखते हैं चलो क्या होता है। तो बोलते हैं कि जब तक $10 नहीं होते पिन नंबर नहीं आता, तो पिन नंबर मेरा आया नहीं है अभी, और डॉलर मैं खुश होती हूँ जैसे कुछ दिनों में 10 होने वाले होते हैं फिर वो कम हो जाते हैं, अब ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने कितना सर्च कर लिया मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है, यूट्यूब वाले काट देते हैं अपने आप ही। और तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग तो यहीं पर अब एंड करती हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और जबकि मैंने थोड़ा थोड़ा दिखाया है, आज मैंने ये दिखाया कि हम लोग किस तरीके से श्राद्ध बनाते हैं, हम लोग के सारे ऐसे ही बनाते होंगे लेकिन अपना अपना जो है थोड़ा रिवाज मतलब थोड़ा अलग होता है, तो हमारा जैसा होता है वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फैमिली और दोस्तों के साथ, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अमर कुमाऊँ भाई बंधु भूली दीदी ठुलीजा आमा बुबू केकनी सब जो लो तुम देखी थे उत्तराखंड, तो चैनल का जरूर लाइक है, और मैं ज़्यादा मतलब बस मैं जैसे तुम देखी थे वैसे छू सिंपल सी, मैं ज़्यादा नौटंकी कर लेने आए और ज़्यादा लोगों को आई केकनी बब्बी क्या बोलते हैं उसको, मतलब थोड़ा अजीब सा लोग बोलते हैं ऐसी वीडियो बनाओ ऐसी वीडियो बनाओ ना, ये फालतू की वीडियो यार मेरी बस की नहीं है, मैं ब्लॉगिंग करना चाहती हूँ बस। तो हैंकी टकिंग की सरोजनी जी के लिए बोलना चाहती हूँ मैं कि आपके लिए मैंने बना दी है ये आखिरी वीडियो, क्योंकि मुझे ज्यादा नहीं आता है। हाँ पता नहीं सरोजनी उनका नाम है, वो कमेंट करते हैं बार बार, वैसे कमेंट तो बहुत आते हैं मुझे हैंकी टकिंग के लिए भी, और आजकल पता नहीं नए नए क्या क्या चले रहते हैं, बोलते हैं कि ऐसी वीडियो, लेकिन उतना टाइम नहीं मिलता है मुझे, और मेरा मन वैसे भी ब्लॉगिंग करने के लिए करता है, ये सब चीज़ें ना मेरा मन नहीं करता, मैं अच्छा लगता है ब्लॉग अगर बनाना अपना घर का शेयर करना ये वो दिखाना आप लोगों को घर में। क्या हुआ टीचर क्लास तक दिया, तो चलिए फिर गाइस मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।